और इस बीच अजमेर से खबर है जहां दो पिकअप और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर जयपुर से जहां स्वामित्व की भूमि से हटाया है अतिक्रमण। बड़ी जानकारी जहां एक बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है, यहां जेडीए ने भूमि पर कब्जा कर लिया है। तो बड़ी जानकारी बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जोन 13 में सीकर रोड पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई, जयपुर से खबर, जोन 13 में सीकर रोड पर ये कार्रवाई देखने को मिली। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाया है, एक बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। ये तस्वीरें जहां जेसीबी बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से जहां जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जोन 13 में सीकर रोड पर ये कार्रवाई हुई है, प्रवर्तन दस्ते ने यहाँ पर कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ बुलडोजर अपना कार्य कर रहा है, पीला पंजा जो है कह सकते हैं कि चलता हुआ अपना नजर आ रहा है। जोन 13 में सीकर रोड पर ये कार्रवाई देखने को मिली, स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। और जब ये कार्रवाई की गई तो तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। तो जोन 13 में सीकर रोड पर ये कार्रवाई हुई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विष्णु शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया है एक बार फिर से और यहाँ अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण हटाया है, पूरी जानकारी विष्णु आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लंबे समय से जेडीए स्वामित्व की जो भूमि थी, सरकारी भूमि, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। करीब आज जो एक बीघा जो भूमि है उस पर सीकर रोड पर जेडीए का पीला पंजा चला है। जेडीए ने सीकर रोड पर एक बीघा भूमि को अपने कब्जे में लिया और वहां पर जेडीए का बोर्ड लगाया। देखिए, जो पूरा प्रकरण था जमीन को लेकर वो कोर्ट चला। कोर्ट के बाद जब कोर्ट से हरी झंडी जेडीए को मिली, उसके बाद आज जेडीए ने यहाँ पर कार्रवाई की है। देखिए, जहाँ तक बात करें ये जोन 13 में जो सीकर रोड पर बडराना करके एक गांव है, वहां पर जो सब्जी मंडी है उसके उत्तर साइड के गेट पर ये भूमि थी। 100 खसरा नंबर 801 इस भूमि का नंबर था, साथ ही एक बीघा ये सरकारी भूमि थी जिस पर अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ था, अवैध कब्जा किया हुआ था। आज जेडीए ने उस अवैध कब्जे को हटाकर तमाम जो भूमि है उसको अपने कब्जे में लिया है। जी विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जोन 13 में सीकर रोड पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, हालांकि ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। विष्णु, देखिए, लगातार जेडीए जहाँ पर भी सूचना इस तरह की मिलती है कि अवैध कब्जों को लेकर जहाँ जानकारी जेडीए को मिलती है तो जेडीए वहाँ पर कार्रवाई लगातार कर रहा है। लंबे समय से जेडीए की जो कार्रवाई है वो शहर में देखी जा रही है, क्योंकि देखिए सरकारी भूमि हो या फिर अवैध निर्माण, इस तरह के निर्माणों पर लगातार जेडीए कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जो सरकारी भूमि है उन पर लोगों ने जो कब्जे किए हुए हैं उनको जेडीए तुरंत प्रभाव से हटा रहा है। जिस तरह से जानकारी जेडीए को मिलती है, सूचना मिलती है, उस आधार पर जेडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी विष्णु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एक बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जोन 13 में सीकर रोड पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो जयपुर से खबर जहां स्वामित्व की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जोन 13 में कार्रवाई देखने को मिली है, एक बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बार बार, जिसमें देखा जा सकता है यहाँ पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है, जो अतिक्रमण किया उसको हटाया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं।